था लड़की के माँ बाप को या नहीं था? अस्पताल में लेके नहीं तो लड़की के माँ बाप को इनने फोन करा था? अगर एक कोई हमारा नाहजी रिश्तेदार है उसने लड़की के माँ के दौरे को फोन करा था कि तुम्हारी लड़की की मौत हो गई तुम आ जाओ, तो उन्होंने ये कहा था कि हम आ रहे हैं कि ये लड़की की लाश को लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि लड़की की लाश को ले जाना मत, हम आ रहे हैं जब उसके बाद में ले जाना। जब देखा तो लड़की के सिर में भी चोट है। हम तो साहब फूफा लगते हैं, पास में रह रहे हैं, पास पास में दुकान है सबकी। तो क्या पहले भी हम तो झगड़ा वगड़ा होता था? हम तो इंसाफ चाहते हैं कि सर इंसाफ होना चाहिए, हमारी बिल्कुल पूरी जांच सही तरह से होनी चाहिए। क्या पहले भी झगड़ा वगैरह होता था? हाँ, इन लोगों में झगड़ा वगैरह तो होता ही था मियां बीवी में, सब में झगड़ा होता था। क्या कोई दहेज को लेकर मांगती क्या कुछ? अब ये तो सर लड़की के माँ बाप को मालूम होगी कि साथ दहेज के बारे में होता है किस बारे में होता है, लेकिन ये है कि लड़की मारी गई है और आप जाके इंक्वायरी वो इस मैटर पे पहले कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या तुम हम इतने पैसे वाले हैं और तुम कहाँ से? और जो घर बना हुआ है इनके आरोप है कि दहेज को लेकर ये हाँ ठीक है जी। और सर और हाँ जो घर बना हुआ है उनके, तो वो घर में से क्या नाम है कमरे से बाहर उन्हें दोनों को एक दोनों तरफ पर्दा लगा के उन्हें रहने को दिया जाता है, घर में इन्हें जगह नहीं दिया गया। फिर जी इन्हें फिर लड़के ने फोन करा क्या मम्मी को, क्या बोले भाई क्या हो गया? तो फिर मैंने तू बनवा के दे, मेरे मम्मी भी वहाँ गई इस के कारण प्रताड़ित करते हाँ प्रताड़ित करते हैं इसी बात के जी। और जी एक दफा मेरी माता जी को मारा भी था उसने, ठीक है, और फिर भी और मेरी माता जी ने मुझे बताया नहीं था क्या जे इसने मारा मुझे। हाँ जी सर, और मुझे सर इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, और इंसाफ की बात होनी चाहिए। सरकार से यही मांग चाहते हैं जी, इंसाफ इंसाफ चाहते हैं। और सर इस कई दफा लड़ाई होगी उनके घर पे भी दहेज के बारे में, हमारे पास में बताया उसका माँ ने भी उसका बाप ने भी और उसका भाई ने भी हमें कई दफा धमकी दे दिया दहेज चाहिए हमें, तुमने कुछ नहीं दिया और घर से उन्होंने बेघर कर रखा, इस बात का लड़का खुद बताएगा। मुझे इंसाफ ऐसी चाहिए, उन्होंने गाड़ी में प्राइवेट गाड़ी में पैकिंग करने और बाद में मेरी धरे 8:10 में फोन करा तुम्हारी लड़की खत्म हो गई, किसी अनगवीरे ने फोन करा था तो हमने ऐसी कैसी ले जाओगी, मैं आ चुकी मेरी बेटे को लेके, कोई लेके मत जाओ, तो बोले तो आप आते रहना। हमने जब आए हाँ धमकी जे है 4-5 दिन पहले से उन्होंने जे कह रहे थे और उनकी रंजस होती रहते थे, हमारी घर ही रहते थे हर साल की बारह महीने। वकील से जब वकील हमारे जो बता रहे थे क्या उसका अंदर का पीछे टूट फट गया और उससे उसकी मौत हो गई, तो मेरा कहने का मतलब ये सर का उन्होंने उसको मारा, पेट में मारा और सिर पे भी मारा उसका, और उसका हाथ भी टूट रहा, मगर ये सब पैसे लेके और सब अपने बदलना। मैं ये चाहता हूँ गुड़गामा कमिश्नर एसपी से भी और कमिश्नर साहब से भी कि मुझे इंसाफ मिला है। वो दिखाया है 3 दिन पहले सर इसका जो जेठ है उनमें लड़ाई हुई थी, ठीक है, और जब लड़ाई होती थी उसके जेवर और कुंडल वगैरह सारे चीज ले गए वहां से उससे चुरा के, और जिस 7,000 रुपए लड़की से ले गए, फिर उस लड़की ने मेरी माता जी को फोन करते क्या भाई मम्मी मेरे पैसे ले गए वो जेठ मेरा 7,000 रुपए और जेवर और क्या नाम है कुंडल, तो उसे मारा भी, तो मम्मी ने मुझे बोला क्या, तो फिर मैंने उसको मम्मी को खामस खामस कर दिया। तो मैंने कहा इसके पति शहजाद ने कैसे मारा, क्या कोई उसके तबीयत पर सर उसका सर उस उसके शरीर में निशान है, उसका सिर पर सर बुलेट आ रहा है, उसका कान में सर और उसका हाथ भी हाथ में भी चोट है। मैं इंसाफ चाहता हूं सर, और जब ऑपरेशन वो पोस्टमार्टम होगा पोस्टमार्टम में सर जब पोस्टमार्टम हो उस जगह पर मैं हूँ या मेरा कोई एक आदमी होने चाहिए मुझे सर। क्यों क्यों लगता है ऐसा कि आपकी तरफ से एक आदमी होना चाहिए? मुझे सर दुखदा लग रहा है, डॉक्टरों से थोड़ा सा मुझे बहुत लग रहा है, मुझे मेरे एक आदमी उसमें होने चाहिए। पैसे वाले हम गरीब है, मैं सर गरीब आदमी हूँ, ये पैसे वाले इनके सर 2 नंबर का बिजनेस है, मेरे पास में कुछ नहीं है। सर बिजनेस 2 नंबर का यही करते हैं, ये गांजा वगैरह कबाड़े काम इनके सारे सब कुछ है।
मेरे पास में कुछ नहीं, भी सप्लाई करता है गांजे का। इसका भाई जो है बाबा, बाबा जो नाम इसका बाबा नहीं वो जे लोग जे काम करते हैं जो, और इनका तो कई केस यहाँ गुड़गांव में भी होगा सर और यूपी में भी, और इन्होंने एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाकर बसे। वो पहले जिला बरेली में रह करते, अब जिला रामपुर में। बच्चे हमारी लड़की ही, हमारी दीदी की लड़की ही, इन लोगों ने हमारी लड़की को मारा है। लड़ाई हो गई इनके घर आपस में ही, हो कुछ भी हो उनके घर में, हमारे बच्चे बिल्कुल ही जान से खत्म कर दिए, मार दिया, मारपीट में खत्म हो गया। डॉक्टर के रिपोर्ट में डॉक्टर जी बताया जा रहा है कि उसके पेट में दर्द था। नहीं साहब, ये मार दिए साहब, मैं नहीं मानूंगा इस बात को, मेरी बेटी को मारा। किस तरीके से लगता है कि रुखसारा को उसके पति ने मारा है? साहब उसके पति ने मारा, मैंने रात दिन इनका भरना भरा, इन्हें मैंने अपना रोजाना मेरे घर रही है हर वक्त। पुलिस थाना में आपने कोई शिकायत वगैरह दर्ज? हमारी साहब कोई नहीं सुन रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस थाना में आप गए? हाँ गए साहब। तो क्या पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? हमारी कोई सुनवाई नहीं, बाहर बैठे हमसे, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम क्या कुछ चाहते हो? हम साहब इंसाफ चाहते हैं, हमारी बेटी मारी थी, हम खून का बदला खून लेंगे। आपकी बात का कोई सबूत आपके पास? हाँ मेरी, हमारे पास का सबूत है, हम तो खाली हैं। हम जब आपको फिर आप जो लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो कि उसके पति जो शहजाद है उसने रुखसाना को मारा है? साहब उसने मारा, क्यों लगता है आपको? तीन दिन